हेलो दोस्तों, माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने डोज कॉइन में एंट्री लेकर रखा है 55 पर 54 पर 52 पर 27 पर 20 पर 25 पर 25 पर, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एंट्री में और यहाँ पर इजाफा करना चाहिए, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले डैम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखा हो, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जो कभी भी मिस न कर पाएं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 24 घंटे में 0.23% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 7 दिनों का अगर देखा जाए तो अराउंड 8% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और एक घंटे में 0.11% का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। सी ऑल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नीचे डाटा है वहाँ पर देख लेते हैं, मार्केट कैप हमारा ग्रीन में दिख रहा है, फुली डिलीटेड मार्केट कैप भी ग्रीन में है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 28 से लेकर 30% तक प्रॉफिट में दिख रहा है, मतलब 30% यहाँ पर ज़्यादा बाइंग हो रही है कल के मुकाबले, जहाँ पर कल हो रही थी 40% ज़्यादा सेलिंग, मतलब 70% बाइंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ा है और बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए 24 घंटे का मार्केट तो यहाँ पर जो ये बीच में यहाँ पर डंप हुआ था ये मेन रीज़न था जहाँ पर बिटकॉइन गिर गया था, और उसका मेन रीज़न था बाइनेंस का जो BNB गिर गया, बाइनेंस गिर गया, तीन देशों में यहाँ पर बैन की न्यूज आई, उसकी वजह से हमारा बिटकॉइन गिरा, बिटकॉइन की वजह से हमारे जो सभी नेटवर्क थे यहाँ पर गिर चुके हैं, उसकी वजह से डोजकॉइन भी गिरा था। और लेकिन यहाँ पर जो वापस पीक लाइन देख सकते हैं ग्रीन में दिखाई देने लग गई है, 0.56% का प्रॉफिट हमें मात्र 24 घंटे में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिस कॉइन के पीछे यहाँ पर एलन मस्क हो, लगभग जिसके फॉलोअर्स है 58.7 मिलियन, DP में जिसने डोज कॉइन का फोटो लगा कर रखा हो, जो डोज कॉइन को लगातार कितने टाइम से प्रमोट करता नजर आ रहा हो, जहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर एक ट्वीट देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है डोज कॉइन खुद कह रहा है नो नियो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट डोज कॉइन इज़ द मनी, मतलब डोज कॉइन ही मनी होने वाला है, इस प्रकार के ट्वीट अगर कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर करता है। और आज आपको पता ही होगा क्रिप्टो की इंडस्ट्री में एलन मस्क सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति बन चुके हैं क्रिप्टो की करेंसी में, मतलब अगर इनका एक भी ट्वीट आता है तो पूरे बिटकॉइन को हिलाने की पूरी पावर रखता है, मार्केट को खत्म करके उसको डबल करने की भी पूरी पावर रखता है 58.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में। अगर दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आज किसी भी कॉइन को प्रमोट कर रहा है तो उसमें तो एंट्री लेना लाजमी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 30% ज़्यादा बाइंग प्रेशर बन रहा है, मतलब लोग बाइंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर रहे हैं। तो आई थिंक सो जिन लोगों ने बड़े लेवल पर एंट्री लेकर रखा है, जिनके पास में मतलब 55 पर लिया हो, 27 पर लिया हो, 25 पर लिया हो, तो आई थिंक सो अभी यह समय है जहाँ पर वह अपनी एंट्री को बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आप एंट्री को बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी लेकर रखी हो 50 पर, 10 क्वांटिटी आपने अभी लेकर रख लेंगे तो उसका जो मिडल एवरेज आएगा आपका बहुत कम हो जाएगा, मतलब अब अगर आपका जो प्राइस आया था वो 30 से भी ऊपर जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अभी वाला जो टाइम है इसमें यहाँ पर आप चाहे तो एंट्री बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा और वेट भी कर सकते हैं, अगर प्राइस में थोड़ा सा डंपिंग देखने को मिले तो वहाँ पर लगभग 15 के आसपास, अभी 15.5 चल रहा है, 15 के आसपास या फिर 14.5 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत अगर तगड़े वॉल्यूम में एंट्री लेते हैं तो आपका जो मेन पीक प्राइस था जो आपने 50 पर लिया था वो 50 से नीचे आ जाएगा, मतलब तकरीबन 20 के आसपास, जितना आप एंट्री ज़्यादा लेंगे 40 के अभी 14 के आसपास जितना ज़्यादा एंट्री लेंगे उतना ज़्यादा आपका जो पीक प्राइस है 50 के आसपास वो यहाँ पर नीचे आना लग जाएगा, मतलब अब अगर आप 20 से भी ऊपर प्राइस जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा, क्योंकि जिन्होंने 50 में लिया है अब वो प्राइस जब 50 से ऊपर जाएगा तब उनको फ़ायदा होगा ना, तो उसके लिए यह एक रामबाण इलाज है कि अभी चाहे तो एंट्री बढ़ा सकते हैं अभी वाले समय में, और अगर थोड़ा सा वेट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मार्केट डंप होगा यह और गिरेगा, और गिरने की वजह से हो सकता है ज़्यादा कॉइन समय अवेलेबल हो जाए कम पैसों में, तो वो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट द डॉज कॉइन की एंट्री लेना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एंट्री लेना बढ़िया रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पीक प्राइस पर यहाँ पर डॉज कॉइन को खरीदा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।